पुराने शहर हैदराबाद के याकूतपुरा हल्का असेंबली में पिछले महीने कई एक तरक्याती कामों के संगे बुनियाद रखे गए। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद, मुकामी रुकने असेंबली, मुकामी रुकने बल्दिया और मुकामी लीडर्स की काफी तादाद रोजाना की असास पर यहां पर संगे बुनियाद तकरीब मुनक़िद कर रही थी, लेकिन अंदरूनी हालात कुछ और ही है। पूरे हल्के में बल्दी मसायल, आबरसानी मसायल जूं के तूं बरकरार है। अवामी नुमाइंदे सिर्फ कौन बनेगा यहां का रुकने असेंबली खेलने में मसरूफ है, कोई अवामी मसायल पर तवज्जो देने से कासिर है। आज हमारे नुमाइंदे ने याकूतपुरे के गंगानगर और आसपास के इलाकों में मौजूद मसायल के कुछ झलकियां अपने कैमरे में कैद किया है और मुकामी अफराद से बात। मुकामी अफराद ने बताया कि बरसों बरस से यहां मुकीम है, कुछ भी तरक्की नहीं हुई है। कल भी नाला बहता था, आज भी यहां नाला बहता है। कल भी कचरा जमा रहता था, आज भी कचरा जमा रहता है। कल भी गंदा पानी नलों में आता था, आज भी नलों में गंदा पानी आता है। नाले की पानी की वजह से मच्छरों की आफजाइश होती है। हमेशा यहाँ के मासूम बच्चे और बूढ़े अफराद बीमारियों में मुबतला रहते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक मुकामी खातून ने कहा कि यहाँ के मसाइल कोई भी लीडर को पहुँचाए गए तो मेरा काम नहीं है, फलां से बात करो कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और साथ ही मुकामी अफराद के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट, siyasat.com। ये गंगानगर का एरिया है भैया, खुदपुरा गंगानगर का है। इधर कोई आते नहीं, पुरसाने आलम कोई देने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। उनको बोले तो उन्होंने बोलते, उनको बोलो उनको बोले तो यहाँ का वार्ड मेंबर कौन है, यहाँ का लीडर कौन है, हम लोग को मालूम ही नहीं होता। यहाँ पर दुनिया के नाले के पानियाँ बहते, बीमारा है बच्चे, छोटे छोटे स्कूलों को जाने को मुश्किल होती, वो साइड से चले जाते पूरे। ये साइड कोई आता ही नहीं यहाँ पर, इधर कोई फटक के नहीं देखता, इधर ना कोई पूछ के देखता हम लोगों को। इधर इलेक्शनों के टाइम पे आते खटके मारते, और डालो अम्मा वो डालो अम्मा, जब भी दिखते सो लोग। सबसे ज्यादा किस वक्त आप लोगों की तकलीफ होती? पानिया पड़े वक्त तो इतना मच्छरा कचरा डाल देते, वो कर देते, कोई पूछने वाला नहीं है। बोल रही ना मैं आपको, कोई पूछने वाला नहीं है। इलेक्शनों के टाइम ही चाहते सो पानी आ जाता, घरों में पानिया घुस जाते, बाहर निकल नहीं सकते, स्कूलों को ले जाने को मुश्किल होती, बच्चों को बाहर दवाखानों को जाने को मुश्किल होती, बीमारा पड़ जाते, पानिया ठहरे हुए रहते, कोई साफ कराने वाला नहीं, किचड़ ठहरा हुआ रहता, कोई साफ कराने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं रहता। अब तो ये आलम हो गया नालों का, ये फुट के बाहर पानी नहीं कर रहा, वो साइड से चले आते पूरे। ये साइड तो कोई आता भी नहीं, पूछता भी नहीं इधर। जी ये कौन सा एरिया है? ये गंगानगर। क्या क्या तकलीफ होती है? कचरे की तकलीफ है, पानी भर जाता घरों में, समझे आप। कितने साल से तकलीफ होती है? अब हमारा बचपन ही यहाँ गुजरा। देखो मैं बोलो बेटे, बोलो बेटे, देखो वही बोल रहे। देखो मैंने तो आपको बताया कि क्या आलम है। देखो बेटे, रात में 1 बजे आओ, 12 बजे आओ, कभी भी आओ, गाड़ी पंचर, दुनिया की तकलीफ। परसों गिर गए हमारे घर वाले जो नाले गए। देखो बेटे वहाँ पे गिर गए गाड़ी पे, पूरे जरा पानी आया तो घरों में आ जाता पानी। पानी का तो हमेशा की बीमारी, हमेशा की बीमारी। रास्ता प्रेजेंट खराब, नहीं नहीं जाने को रास्ता इतना रहता। और ये देखे ना, अब नाले का भी देखे हुए, उधर का भी है, इधर का भी है, जाने ऑटो जाने की तकलीफ है दुनिया की। इसको भी बोलो कुछ भी फायदा नहीं, सब लीटर खाली दिखते यहाँ पे। क्या अब वासे भाई को फोन मारो, अच्छी बात कराता हूँ बोलते, बस्ती का कौन लीडर है हमारे अब तक नहीं मालूम। विनू बोलते मैं हूँ, उन्हू बोलते मैं हूँ, कौन सी कौन गली के लीडर है हमारे। क्या अब वासे भाई को बोलेंगे तो अच्छी बात है बोलते, आके रोड मारते चल जाते, उसके बाद कोई देखने वाला नहीं है। परसों रात में वहाँ गिर गए लेडीज, गिर गए पूरी कमर की हड्डी सरक गए, मुंडे पे मारा है, दवाखाने में 2 दिन रह के आए। सबसे ज्यादा आपको तकलीफ कौन से मौसम में? भाई हर मौसम में छोरी तकलीफ, वैसे मौसम में बोलेंगे। देखो बारिश तो नहीं है, बारिश तो नहीं है। देखो ये पानी का आप देखो, अभी बताओ वीडियो, ये नाले की दीवार फुट के पानी बाहर आ रहा घर है यहाँ पे, पहले डेंगू चल रहा, वहाँ का पानी देखो कहाँ रहो भैया तुम। देखो वहाँ का पानी हर जगह जगह से निकल रहा। अब आप तो वहाँ का देखे हुए पूरा, और ये आलम क्या है देखो, अभी नाले का देखो, ये देखो यहाँ से जाना ना कैसा, कौन लेडीज बैठ के कर एक गाड़ी पे जाते तो दूसरी गाड़ी नहीं आती है। साफ रहा तो कम से कम सहूलत होती जाने आने की,
नालों का मतलब वहाँ सामने रोड खोदे वहाँ पे भी पूरी लाइन खोद के डालती है, नलकी खोदेगी मोहरी की खोदेगी वहाँ पे भी जाने की तकलीफ है, आगे भी पूरा यहाँ से आपको मौला के छिले तक तकलीफ ही तकलीफ है, पूछने वाला कोई भी नहीं है। अब क्या है बताओ, पार्टी कोसी पार्टी वालों को बोलेंगे या जो है उनको बोल रहा हो, खाली काम होने में रहता हो रहा नहीं, अब इलेक्शन आ गया अभी भी होता नहीं होता नहीं मालूम। अब गाड़ियों का ये खंबे का देखो वायर नीचे, बच्चे छोटे छोटे इतने थे बच्चे खेल रहे ये वायर नीचे एक आध को लग गया हो जा, परसों में ये गाड़ी साफ करो मेरी ठहर गया बच्चा इधर आता मैं हटाया वहां से देख के ये वायर ना देखा तो ऐसा लाइट तो कोई खंबे की नहीं है, वो एक तरफ ये खंबे की वो एक खंबे की, और इसके बाद पीछे की गलियां पूरे सही है, नाले पे कोई भी नहीं आते, पीछे के लीडर अच्छे है पूरे, नाले का लीडर कौन है नहीं मालूम। और एक बेचारे खैसर भाई थे नाले पे रहते हैं, उनको फोन मारते कि आदमी आधी रात को भाग के आता था, उसके बाद कोई ऐसा लीडर ही नहीं है ना, कोई लीडर नहीं है यहाँ पे आगे पूछना भी। अब ये डेंगू का मलेरिया का चल रहा, अब ये हुआ तो कौन जिम्मेदार किसको बोलना, लीडरों को तो बोल रहे, लीडर तो करना कोई भी नहीं है।